हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम आपके लिए कुछ इम्परेटिव सेंटेंसेस को लेकर के आए हैं, जिनको हिंदी में हम आदेशात्मक वाक्य कहते हैं। ये वाक्य आपके डेली यूज में बहुत ही काम आने वाले हैं। आप डेली कन्वर्सेशन जब करते हैं उनमें ये वाक्य बहुत ही यूज होते हैं। छोटे छोटे सेंटेंसेज हैं, ये आपकी इंग्लिश को सुधारने में बहुत ही मदद करेंगे। जैसे इधर आओ, उधर चले जाओ, मेरे लिए ग्लास पानी लाओ, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, बाहर जाओ, उसे अंदर ले आओ, तुरंत यहाँ से चले जाओ, तैयार हो जाओ। इस तरह से बहुत सारे सेंटेंसेज हैं जिनको आप डेली वे में इस्तेमाल करते हैं, डेली रूटीन में इस्तेमाल करते हैं। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपके लिए इंग्लिश स्पीकिंग, अगर आप सीखना चाहते हैं, इंग्लिश को सही तरीके से बोलना चाहते हैं और इंग्लिश में बात करना चाहते हैं, तो ये सेंटेंसेज आपके लिए हैं। तो ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे यहाँ पर हिंदी में लिखा हुआ है और उसकी अंग्रेजी यहाँ पर हम बताएंगे, उसके बाद इसका प्रोनंसिएशन यहाँ पर लिखा हुआ है। तो हिंदी से अंग्रेजी में हम इन सेंटेंसेस को आपको बताते चलेंगे और आपसे निवेदन है कि पूरा वीडियो देखिए, तभी आपको सही से समझ में आएगा और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। जैसे पहला सेंटेंस है, छोटा सा सेंटेंस, छोटा सा वाक्य, जैसे डेली यूज में आप कहते हैं खड़े हो जाओ, तो खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ का अंग्रेजी में कहेंगे स्टैंड अप, खड़े हो जाओ का अंग्रेजी में कहेंगे स्टैंड अप, ये आप प्रोनंसिएशन दिया है। बैठ जाओ, सिट डाउन, यहाँ आओ, कम हियर, यहाँ प्रतीक्षा करो, वेट हियर, वहाँ खेलो, प्ले देयर, सावधान रहो, किसी को सचेत करने के लिए सावधान रहो, बी केयरफुल, दूर हो जाओ, गो अवे, शीघ्र जाओ यानी जल्दी जाओ, गो एट वंस, बाहर निकल जाओ, गेट आउट, द्वार बंद करो, शट द डोर या क्लोज द डोर, तैयार हो जाओ, गेट रेडी, अच्छी तरह सोचो, थिंक प्रॉपरली, सीधे जाओ, गो स्ट्रेट, बाएं मुड़ो, टर्न लेफ्ट, दाएं मुड़ो, टर्न राइट, ठीक से सफाई करो, क्लीन प्रॉपरली, समस्या हल करो, सॉल्व द प्रॉब्लम, उसे अंदर ले आओ, शो हिम इन, स्वयं सोचो, थिंक योरसेल्फ, उसका मार्गदर्शन करो, गाइड हिम, गाइड मीन्स मार्गदर्शन करना होता है दोस्तों। कोई झगड़ा नहीं, नो क्वेरल, स्वयं पढ़ो, स्टडी योरसेल्फ, पानी दो, गिव वाटर, तेज भागो, रन फास्ट, अब आराम करो, रेस्ट नाउ, चुप रहो, कीप क्वाइट, रुको, ऐसे स्टॉप, आप जैसे किसी को कहते हैं, मैं कहता हूँ रुक जाओ, तो क्या कहेंगे, आई से स्टॉप, सुनो, लिसन, रुको यहाँ, स्टॉप हियर, तुरंत जाओ, गो एट वंस, ऊपर जाओ, गो अप, नीचे जाओ, गो डाउन, यह लो, टेक इट, इधर देखो, लुक हियर, पास आओ, कम क्लोज या कम नियर। तो इस तरह से आप इनको अपने डेली यूज़ में बहुत ही अच्छी तरीके से उपयोग कर सकते हैं। इस वीडियो को आप देखेंगे तो आपको बहुत ही आसान लगेगा कि इस तरह से जो सेंटेंस होते हैं, जो छोटे छोटे सेंटेंस हम बोलते हैं, उनको किस तरह से यूज किया जाएगा, उनका हिंदी से अंग्रेजी मतलब क्या होता है। हिंदी में तो हम बोल लेते हैं, अगर अंग्रेजी में बोलने की बात आती है तो हमें एजिटेशन होती है। इसलिए ये वीडियो हमने आपको बनाया, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही कारगर साबित होगा। डेली यूज सेंटेंसेज हैं और ज़्यादा बड़े भी नहीं हैं, ज़्यादा टफ यानी कठिन भी नहीं है, तो आप इनको डेली यूज में इस्तेमाल करने के लिए इनको आराम से पढ़ें, समझें और फिर आप बोल सकते हैं। रटने वाली कोई बात नहीं, केवल आपको समझना है। तो इस तरह से ये वीडियो आपके लिए बहुत ही काम का होने वाला है। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को जोर दबा दें, हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए।
चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।